जिला हमीरपुर में लगातार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी गर्ल कॉलेज में रेप के मामला शांत नहीं हुआ था कि इसी के साथ आज एक और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज छात्रा ने तंग आकर हौसला दिखाते हुए हमीरपुर एएसपी के समक्ष जनवादी नौजवान सभा की अगुवाई में शिकायत की है। बता दें कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने हमीरपुर के एक युवक जो कि मोहनी गांव का निवासी है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी को लेकर आज छात्रा और जनवादी नौजवान सभा के सदस्य एएसपी हमीरपुर से मिले और कार्यवाही की मांग की। छात्रा का आरोप है कि युवक पिछले एक महीने से सात अश्लील छेड़छाड़ कर रहा है और रास्ते में आते जाते भी परेशान करता है। जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने बताया कि आज एएसपी हमीरपुर से मिलकर छेड़छाड़ के मामले में जांच करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर रही है और लड़की को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले दो दिन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, गौतम गर्ल्स कॉलेज का जो इंसिडेंस है और उसके बाद जो आज जिस मामले में हम एएसपी साहब से भी मिलकर आए हैं, इस तरीके से पिछले कल एक लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है और उसके साथ जो छेड़खानी की घटना वो वहां पर अभियान करती है। उसके बाद जो रवैया पुलिस का जो रवैया था, एक मीडियोकर को बीच में लाकर डरा धमकाकर जो है वो लड़की को कंप्लेंट वापस लेने के लिए वहां पर दबाव बनाया जाता है। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, अगर जो रेप की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार जो बढ़ रही हैं, वो जो कि बहुत शर्मनाक है, उसमें अगर पुलिस का रवैया इस तरीके का रहेगा, लड़कियों की जो आवाज़ है, जो महिलाओं की आवाज़ है, अगर वो अपनी फरियाद लेकर पुलिस के सामने जाते हैं, वहां पर अपनी इंसाफ की वहां पर मांग करते हैं, और हम ये देखते हैं कि पिछले काफी समय से पुलिस इस तरीके का जो तौर तरीका है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की मीडियोकर्स वहां पर होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की मीडियोकर्स वहां पर होंगे, और वो सारा वो पैसे का लेन देन सारी चीजें वहां पर चलती हैं, और ये सारी चीजें हम समझते हैं कि ये बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा देने का ये जो काम है, ऐसी जो हरकत जो पिछले कल जो हुई है, ये सारी अगर उनको महिलाओं का वहां पर बचाव को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तो सारी घटनाएं घटेंगी। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है वो जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर जो है सरकार कड़े कदम उठाए, और जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज का गठन करे, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेजेस में शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करें, अवेयर करें, ताकि इस समाज के अंदर जो है आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। और इसके साथ साथ ये जो प्रदेश सरकार है, हम इससे भी ये मांग करते हैं, चलो अभी कुछ समय पहले जो चुनाव हुए हैं, ये मुद्दा भी था कि गुड़िया हेल्पलाइन बनाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर सारी बातें थी, लेकिन सरकार बनने के बाद जयराम सरकार हमें मानते हैं कि इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है, और अगर इस तरीके से आने वाले समय के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है तो सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो उनका जो है जबरदस्त विरोध जो है उनका हम करेंगे। वहीं लड़की ने बताया कि पिछले कल उन्होंने पुलिस थाना में युवक के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की ने बताया कि उसे शिकायत वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज एएसपी हमीरपुर से मिलकर इस मामले की जांच करने की मांग की गई। गई थी तो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की थी और एक लड़का है वो मेरे को एक से मतलब तंग करता है और गाली गलौज करता है और पुलिस वालों ने मेरी कोई भी सुनाई नहीं की। उन्होंने मेरे को और धमकाया और बोला कि मतलब तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, कल को आज मेरे को डरा रहा है, कल किसी और को भी डरा सकता है। फिर क्या था पुलिस का व्यवहार आपके साथ, कैसा हुआ वहाँ पे, क्या कहा? उन्होंने मेरे को डरा डरू के मतलब ये कर लिया। आप अकेले गए थे कंप्लेंट लेके कि आपके साथ कोई गया था? रूम में गए। आप यहाँ क्वार्टर लेके रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे गए थे आप? एक बजे गई थी।
कल 1 बजे ना? हाँ जी, कंप्लेंट लिखाई थी 1 बजे और 4 बजे 5 बजे उन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद मैंने मना किया था। वो लड़का भी आया था? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मैम कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मैंने बोला था कि कॉम्प्रो नहीं करना है तो उन्होंने मेरे को और मतलब साथ ही मुकर जा रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना गाने समझौता करने का जवाब बना रहे थे। हाँ जी। कितने दिनों से ये? एक मंथ से। तो ये मिलता कहाँ है लड़का? कहीं भी मिल जाए, रास्ते में कहीं भी मिल जाए। तो इसके साथ जो लोग समझौता करवाने के लिए आ रहे थे वो कौन लोग थे? पत्नी, गांव के थे कोई और एक लड़का था उसके साथ। तो नाम पता है आपको उसका कोई? नहीं। तो आज आप किससे मिले हैं?